हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग हमारा 18th चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फ के बारे में। तो बच्चों देखो, होता क्या है, जब हमने खाने को डाइजेस्ट किया, वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ था वो अब्सॉर्ब होके पहुंचा हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में पहुंचा। ब्लड से उसे पहुंचाना था मुझे सेल्स तक। तो मैं क्या देख रहा था, खाना पहुंच गया आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स जो थी वो और फाइन बनी क्या, कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज पहुंचती है कहां तक, मेरे टिश्यूज तक। जब कैपिलरी टिश्यू तक पहुंचती है तो मैं क्या दिखता हूं, इस कैपिलरी में से टिश्यू के अंदर कुछ फ्लूइड निकल के आता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा वाटर, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स। जब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं इस न्यूट्रिएंट के अंदर बेटा क्या है, मिनरल्स है ना, मिनरल्स हैं, जिसको आप लोग आयंस बोल रहे हो, वो सब रहेंगे, थोड़े बहुत प्रोटीन, बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत प्रोटीन्स और कुछ WBCs। WBCs आ जाती है, बाकी फॉर्म एलिमेंट जैसे कि RBC और प्लेटलेट्स अंदर रह जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कुछ WBCs, सारे के सारे WBCs नहीं, कुछ WBCs हमारे इस फ्लूइड में आ जाती है, कहां पर, इस टिश्यू के आसपास। अब टिश्यू के आसपास आ रही है ये जो फ्लूइड थे, तो इसे फ्लूइड को मैं कहूंगा क्या, टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड को आप लोग ECF भी बोल सकते थे, सेल के बाहर है ना, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा, क्योंकि सेल्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम लोग इंटरस्टिशियम कहते हैं, तो इस फ्लूइड को हम लोग कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड आया है बच्चों, इसके अंदर ये WBCs की थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं, WBCs कौन सी आ रही है और कैसे आ रही है। देखिए, हमारी जो WBCs होती है, दे हैव दिस एबिलिटी टू यू नो एडजस्ट देयर शेप, वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली उनका मूवमेंट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है। इसके वजह से क्या होता है, दे कैन स्क्वीज थ्रू दीज वेरी फाइन कैपिलरीज, ये आराम से इन कैपिलरीज के अंदर मूव कर सकती है, अनलाइक द RBCs एंड द प्लेटलेट्स। और इस मूवमेंट को बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं काम का है, डायपेडेसिस। इस मूवमेंट को कहा जाता है डायपेडेसिस, ये आप लोग नोट बना के लिख दीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ द WBCs टू स्क्वीज थ्रू द थिन वॉल्ड कैपिलरीज और थिन कैपिलरीज इज रिफर्ड टू एज डायपेडेसिस। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो टिश्यू फ्लूइड आया है, या जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आया है, या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया है, ये बहुत जरूरी है। क्यों, अगर ये नहीं फ्लूइड होगा तो मैं देखूंगा जो एक्सचेंज ऑफ गैस और जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट अलोंग द टिश्यू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ना, बोलो हाँ, ओके वेरी गुड। अब देखो क्या करना है हमें, ये जो फ्लूइड इधर इकट्ठा हुआ था ना टिश्यू में यार, इसको मुझे पहुंचाना है वापस मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो मैं क्या देखता हूं, दिस टिश्यू फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय कैपिलरीज एंड वेसल्स विच वुड कंस्टिट्यूट लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो टिश्यू फ्लूइड था ये कलेक्ट कर लिया जाता है कुछ कैपिलरीज और वेसल्स के द्वारा, जो कंस्टिट्यूट करते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। और ये लिम्फेटिक सिस्टम से बाद में इसे पहुंचा दिया जाएगा कहां पर, हमारी वेन्स में, और वेन से सीधा वो अपने हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वहां पे पहुंच गई है। है तो ये पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ही, बट पहुंचाना है मुझे इसे कहां पर, ब्लड के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखो बात आगे बढ़ाता हूं मैं और पहुंचता हूं कहां पर, लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम में जाऊं उससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लो क्या, अब ये जो फ्लूइड, ये जो टिश्यू फ्लूइड एंटर कर रहा था कैपिलरी में, कौन सी कैपिलरी में, लिम्फेटिक कैपिलरी में, उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा लिम्फ। देखो बेटा चीज एक ही है, चाहे टिश्यू फ्लूइड बोलो चाहे लिम्फ बोलो, बात एक ही है। टिश्यू फ्लूइड टिश्यू के अंदर रहेगा और जब ये यहां से निकल के पहुंच गया आपके लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरी में, तो वो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। समझ में आ रही बात, तो पहुंचते हैं हम लोग कहां पर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे। देखिए जो लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा बच्चों, वो तीन कंपोनेंट का बनता है। सबसे पहले लिम्फ, जिसकी अभी अभी हमने बात करी है ना, दूसरे बनते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स। पहले बात करते हैं हम लोग लिम्फेटिक कैपिलरी की।
तो जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है दे आर प्रेटी मच सिमिलर टू आर ऑर्डिनरी कैपिलरी, मतलब बहुत छोटी सी रहेंगी, दे वुड बी वेरी माइन्यूट थिन वॉल्ड एंड दे हैव सॉफ्ट ट्यूब्यूल्स विच इज प्रेटी मच सिमिलर टू योर कैपिलरीज। मतलब जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं, थिन वॉल्ड है। यूजुअली जो कैपिलरीज होती है वो सिंगल वॉल्ड होती है, बहुत बहुत पतली सी एक वॉल होती है, ठीक है, ताकि इजीली चीजें मूव कर सके और पतली सी पतली जगह पे वो पेनिट्रेट कर सके। जितनी पतली उसकी वॉल होगी उतनी छोटी सी जगह पे हमारी कैपिलरी पेनिट्रेट कर पाएगी। एंड दे आर सॉफ्ट ट्यूब्यूल ताकि थोड़ी बहुत व्हाट यू कॉल इट फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, सही। दूसरा, हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज थी, उनका फ्री एंड होता है ना, उनके जो एंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। बट जब आप इनकी बात करते हो, जब आप बात करते हो लिम्फेटिक कैपिलरीज की, दे हैव क्लोज्ड फ्री एंड्स, दे आर क्लोज्ड ऑन फ्री एंड्स, मतलब ये जो है ना इनका फ्री एंड वो बंद रहेगा, इनका आखिरी का हिस्सा जो होता है वो बंद होता है, ओपन नहीं रहता, अनलाइक द ब्लड कैपिलरीज। फिर एक और काम की चीज आ रही है, जनरली जनरली ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ये हमारे बॉडी के सभी पार्ट में प्रेजेंट है, बट कुछ जगह पे एब्सेंट है। बेटा ये काम का पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट काम का, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इट इज एब्सेंट इन एपिडर्मिस, आपके स्किन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर। इट इज एब्सेंट इन योर हेयर, बालों में, नाखून में, क्लॉज, क्लॉज मतलब जो पंजे होते हैं शेर वगैरह के। फिर कॉर्निया, आपकी आंखों में कॉर्निया होता है ना, ये जो ये ब्लैक वाला पार्ट है वो हमारा कॉर्निया बन रहा है। आई मीन मेरा तो चश्मा है तो रिफ्लेक्शन होगा, शायद दिखेगा नहीं। कॉर्निया में लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्सेंट होती है, आपके ब्रेन में नहीं होती है, आपके ब्रेन में लिम्फेटिक वेसल्स आई मीन लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्सेंट होती है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड, बोन मैरो एंड स्प्लीन, इन जगह पर आई फाइंड दैट द कैपिलरीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आर एब्सेंट। स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन पहले कहीं पे आया हुआ है हमारे पास यार? स्प्लीन कहीं पे आया हुआ है? आया हुआ याद है ना? अगर याद आ रहा है तो फटाफट अपना जवाब क्या करो बेटा, कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट। द आंसर शुड गो इन द कमेंट बॉक्स बॉयज एंड गर्ल्स। मूविंग टू वेसल, देखिए वेसल, अगर लिम्फेटिक वेसल की बात कर रहे हो तो जैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर सिमिलर था हमारे ब्लड कैपिलरीज के, वैसे लिम्फेटिक वेसल जो रहेंगी इनका स्ट्रक्चर भी हमारे ब्लड वेसल जैसा ही रहेगा, सिवाय के इनके अंदर मोर नंबर ऑफ यूनि डायरेक्शनल वॉल्स रहेंगे, इनके अंदर जो वॉल्स होंगे उनकी संख्या कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। यहां पर जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनको हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक तो राइट थोरेसिक वेन वेसल्स और लेफ्ट थोरेसिक वेसल्स। यहां पर जो लिम्फेटिक वेसल्स की हम लोग बात करने वाले हैं उसको दो भाग में पढ़ूंगा मैं, एक तो राइट थोरेसिक और दूसरा लेफ्ट थोरेसिक। अभी बात कर रहे हैं हम लोग राइट थोरेसिक के बारे में। अब क्योंकि ये राइट थोरेसिक की बात होगी, थोरेसिक का मतलब क्या होता है बेटा? ये चेस्ट वाला पार्ट है ना, तो ये जो राइट थोरेसिक पार्ट रहेगा हमारे वेसल्स के, कौन सी राइट थोरेसिक वेसल्स जो रहेंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की, वो हमारे राइट साइड से लिम्फ को कलेक्ट करेंगी। राइट साइड में क्या हो गया आपका? राइट हैंड। ये चेस्ट वाला पार्ट थोरेक्स, देन नेक एंड हेड। सो ऑल द टॉर्सो के ऊपर वाला भाग जो भी रहेगा वो लिम्फ को कलेक्ट करवाएगा कहां पर? राइट थोरेसिक वेसल्स में। और ये राइट थोरेसिक वेसल्स जो लिम्फेटिक सिस्टम की थी, दे वुड ओपन इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। हमारे पास क्लेवियन वेन्स होती है, अगर आप जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ोगे आगे जाकर के वीडियो में तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर जो हमारी राइट थोरेसिक लिम्फेटिक वेसल थी, दैट वुड ओपन इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में पड़ रही है बेटा बात? समझ में पड़ रही है बात? हाँ, लाइक कर दो फटाफट से। फिर जाते हैं कहां पर? लेफ्ट थोरेसिक पे। लेफ्ट थोरेसिक वेसल जो रहेगी बेटा वो कहां से कलेक्ट करेगी? अगर राइट थोरेसिक राइट साइड से ले रही थी लिम्फ को, तो लेफ्ट थोरेसिक कहां से लेगा? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड ऑफ योर थोरेक्स, लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक, लेफ्ट साइड ऑफ योर हेड, यहां से हम लोग लिम्फ को कलेक्ट करेंगे और पहुंचाएंगे कहां पर? राइट वाले ने कहां पहुंचाया है? राइट सबक्लेवियन में। तो ये कहां पहुंचाएगा? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स नहीं बेटा, वेन रहेगा, ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन या लेफ्ट क्लेवियन वेन में पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों ये जो हमने बात करी है लिम्फेटिक सिस्टम की बात करी, अब मैं समझता हूं क्या
लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, क्या फ्लो हो रहा था? लिम्फ। उस लिम्फ के फंक्शन की बात करते हैं। देखो लिम्फ जो है वो क्या करता है, सबसे पहला काम तो इट एड्स लिम्फोसाइट एट लिम्फ नोड्स। देखिए यहां पर जो लिम्फ वेसल्स थी इनमें हम देखेंगे अक्सर किसी किसी जगह पे मुझे ऐसा गांठ या स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको मैं बोलता हूं लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट ऐड कर देगा। लिम्फोसाइट हमने पढ़ा था जब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग और वीडियो जो था पास्ट आपका देख सकते, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ऊपर भी मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, ठीक है? देखिए इट एड्स लिम्फोसाइट फ्रॉम और एट लिम्फ नोड्स। दूसरा इट वुड सर्व एज द मिडल मैन। मिडल मैन मतलब क्या, ये हमारे ब्लड और हमारे टिश्यू के बीच में लेन देन का काम कर रहा है। देखो ये जो ब्लड था ना, ये जो कैपिलरी में ब्लड आया था उसके अंदर क्या था, न्यूट्रिएंट थी और गैस थी, है ना? ये टिश्यू को और न्यूट्रिएंट और गैस चाहिए थे, पर क्या वो सीधा ब्लड के द्वारा ले पाता, सीधा ब्लड से ले पाता? नहीं हो पाता बेटा ऐसा कभी। तो हम क्या देख रहे थे, यहां पर लिम्फ आ जा रहा था, एक टिश्यू फ्लूड आ जा रहा था, जहां पे हमने हमने देखा कि भाई साहब न्यूट्रिएंट्स आ गए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, और ये हुआ केवल तब जब लिम्फ वाज सर्विंग एज द मिडल मैन। यू अंडरस्टैंड दैट? देन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमने क्या पढ़ा था यार, फैट अब्सॉर्ब हो रहा था, हाँ? फैट डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो रहा था क्या, हाँ? नहीं हो रहा था ना, फैट के ऊपर प्रोटीन लग रहे थे, माइसेल बन रहे थे, फिर काइलोमाइक्रोन बन रहा था और वो काइलोमाइक्रोन अब्सॉर्ब कर लिया जा रहा था माइक्रोविलाई विलाई के द्वारा और पहुंचाया जा रहा था कहां पर, लिम्फ में, है ना? लिम्फ से वो लैक्टियल में जा रहा था अगर आपको याद आता। तो ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट्स आर अब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाय लैक्टियल, है ना? लैक्टियल के अंदर जब लिम्फ फ्लो करता है ना बेटा, देखो ऐसे तो हल्का सा ये कलरलेस सा रहता है, बट जब ये लिम्फ लैक्टियल के अंदर फ्लो करता है तो ये हल्का सा मिल्की वाइट रहता है इसका कलर, है ना? इसे कहा जाता है काइल, CHYLE, काइल। जैसे स्टमक के अंदर पार्टली डाइजेस्टेड खाने को काइल बोल रहे थे, वैसे ही जो चीज लैक्टियल में फ्लो करती है, मिल्की फ्लूड होता है, मिल्की वाइट फ्लूड होता है, उसे कहते हैं लिम्फ को हम लोग काइल। ये रहा पे, यहाँ पे काइल आ गया, काइल आ गया। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं मैं, ये क्या करेगा ना, इट विल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में भी हमने देखो चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ पिछले वीडियो में, जहां पे हमने आरएच ग्रुपिंग पढ़ी थी, ठीक है बच्चों? तो ये जो भी हमने बात करी है लिम्फ की बात करी है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करिए, आप कमेंट करके प्रोत्साहन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि और मोटिवेशन मिले और ज्यादा वीडियो बनाए हम, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको और मिल सके। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।